तो मनसा देवी मंदिर जो पैदल ही यात्रा पर निकल चुके हैं और दो सिटी अभी है जो चढ़े हैं, उसके बाद देखिए कब तक है चढ़ते हैं। तो आधा दूर आ गए हैं और इतने में थक गए, बस थोड़ी दूर और उसके बाद कुछ रास्ता है जो प्लेन है रास्ता। जय माता दी। आधे दूर आने के बाद रोड है कुछ इस तरह, फिर यहाँ से ये मंदिर है, फिर ये मंदिर से चलेंगे ऊपर। ये देखिए लंगूर, ये लंगूर डर लग रहा है, देख कैसे रहा। फिर इसके बाद इधर यहाँ से तो पूरा हरिद्वार दिख रहा है। ये लंगूर जी सेल्फी लेते हुए। अब बस थोड़ा दूर हो रहा है, आधा से ज्यादा। तो ऐसे से राउंड अभी भी 5-6 है और 20 मिनट हो गया चढ़े हुए, काफ़ी थक गए। फिर आपको इस पे है चढ़ के फिर ऊपर चलना पड़ेगा इधर। चेहरा लाल हो गया। और ये देखिए पहाड़ अब नज़दीक दिख रहा है, उधर जो पहाड़ का जो चोटी है वो नज़दीक दिख रहा है अब, तो अब ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं यहाँ से, कोई रोड एक वहाँ है और यहाँ से गंगा का जो डिवाइड हुआ है ये लुक बहुत काफ़ी अच्छा है। और हरिद्वार पूरा यहाँ से दिख रहा है। कमरे का किराया निकला ये समझ, 2000 में पीजी तो मिल जाएगा रहने के लिए, जाना है दिवाली के बाद बुलाएंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे आप जो देख रहे हैं वो मंदिर है। और अब हम लोग मंदिर के गेट पे आ गए हैं, काफ़ी थक गए, बहुत टाइम लगा आने में। तो ये अब लास्ट मोड़ है, इसके बाद मंदिर का गेट है। अब मंदिर का जो मेन प्रांगण है तो वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से मेन मंदिर का मुख्य जो गेट है यहाँ से चालू होगा और इस तरह का ऊपर का एरिया। इधर माँ वैष्णवी देवी मंदिर
और मनसा देवी का है, यही रास्ता है। माता जी का दर्शन कर लिए और सही टाइम पे पहुँचे, उस टाइम है जो आरती हो रही थी, तो आरती हम लिए हम लोग रुके और फिर वहाँ से जो निकले हैं और अब है जो फिर नीचे की ओर चलेंगे और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। तो ये हरिद्वार का ऊपर से नाइट व्यू मनसा देवी पर्वत से, कितना सुंदर दृश्य, दिवाली मन रहा है उस तरह का ये नज़ारा।